सवाल यहाँ ये है कि सीबीआई के शोर में 2024 का जो सियासी वॉर होने जा रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल का रोल क्या होगा, इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन शिवम मैं अब चाहूंगी कि आप असद अब्बास का जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो यहाँ पर कह रहे थे कि लोकप्रियता इतनी ज्यादा है आम आदमी पार्टी की, बीजेपी डर गई और इसीलिए एक एक कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। देखिए सरीन जी, 28 फरवरी 1997 में इस देश में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था जुदाई। मुझे लगता है कि उस फिल्म का जो सीन है स्पेसिफिकली वो लिखा गया ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए था। उसमें उपासना सिंह होती हैं और उनके पति होते हैं जॉनी लिवर, और जॉनी लिवर उनके पास जाकर पूछते हैं तुम कैसी हो, कहते हैं अब्बा जब्बा डब्बा, क्या खाओगी अब्बा जब्बा डब्बा, क्या पहनोगी अब्बा जब्बा डब्बा। अरे भैया चार सवाल पूछे हैं प्रेम शुक्ला जी ने, चार मैंने पूछे हैं। अरे भाई अभी रुक जाइए भैया, उनका सीधा जवाब दे दो ना, मोदी जी डर गए, मोदी जी बहुत डर गए, हम बहुत महान हैं, आचार्य चाणक्य के बाद अगर कोई टीचर बना है तो मनीष सिसोदिया बने हैं, उनसे ब्रह्मांड और दुनिया जहान में कोई अच्छा है ही नहीं। ये रटा रटा है अब्बा जब्बा डब्बा से बाहर निकलिए, गेट ओवर इट। चार सवाल पूछे गए, चार सवाल का पॉलिसी पैरालिसिस पे सीधा जवाब दे दो, और प्लीज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इधर उधर की बातें करते हुए सवाल का जवाब दे दीजिए। असद अब्बास जवाब, आप ही के स्टाइल में जवाब दूंगा। शायद आपने वो जुदाई देखी, जवाब 420 देखिए क्या, डोंट वेस्ट टाइम 420 राज्य की सरकार को 2800 करोड़ का घोटाला क्यों किया, नुकसान क्यों पहुंचाया, जब इंजेक्शन चाहिए तो शराब में नुकसान क्यों किया सरकार। असद अब्बास आप बता रहे, सुन लीजिए ना, एक सवाल तो लेते हैं ना, डरिए मत। असद अब्बास हर आदमी आपसे डर ही रहा है, आप अच्छे इतने बुरे नहीं है। जवाब दीजिए, एक मिनट शिवम, एक सुनिए भाई साहब, बोलिए बोलिए असद अब्बास, सुनिए देखिए वो चाची जो 420 कर रही थी, चार सवाल, सीबीआईटी का इस्तेमाल कर रही थी, चार सवाल। अभी आपको मैं डायरेक्ट जॉब देता हूँ, चार सवाल। देखिए भाई साहब, ये आप प्रवक्ता है, हास्य कलाकार नहीं, फिल्मों की चार सवाल, अभी डायरेक्ट पॉइंट पे बात कीजिए। वही बोल रहा हूँ, मुझे हिंदुस्तान, ये बोखला गए हैं, अभी सुनिए, पूरा हिंदुस्तान जानता है। आरोप तो आम आदमी पार्टी पर भी लग रहा है कि उनकी बौखलाहट है ये, जो काम कर रही है आप बौखला चुके हैं। आप ये देख रहे हैं, कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा होना चाहिए, तो कोर्ट में जो हो रहा है आप लोगों को भरोसा करना चाहिए, आम आदमी पार्टी को फिर तो भरोसा करना चाहिए ना, अगर वाकई सब कुछ पाक साफ है। अलका लामा जी देखिए भरोसा है, लेकिन सीबीआई की कमीशन रेट, ठीक है, अधिकारी प्रवक्ता अब अलका लामा बोल रही है, उनको सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अधिकारिक है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं आती हूं, अधिकारी होता तो सवाल करते तो जवाब मिलते। एक जवाब पूरी दिल्ली पूछ रही है, आपकी शराब नीति अगर ईमानदार मुनासिबे वाली थी तो सीबीआई की जांच के बाद जांच के डर से शराब नीति वापस क्यों ली गई? अगर वो ईमानदार नीति थी, मुनाफे वाली नीति थी, कोई भ्रष्टाचार नहीं था तो उसे लागू रखना था, सीबीआई का सामना करना था, अड़े रहना था, आगे बढ़ना था, लेकिन आप डर क्यों गए? आपने अपनी नीति वापस क्यों ले ली? और आप सोच रहे हैं वापस लेने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, तो ये होने नहीं देंगे। पंजाब के हमारे नेता विपक्ष प्रताप बाजवा जी ने भी वहां पर लिखित में सीबीआई की जांच की मांग वहां पर भी कर दी है, क्योंकि दिल्ली के शराब जो है नीति के जो तार है वो पंजाब और तेलंगाना तक जुड़े हुए हैं, और पूरी की पूरी अब तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री जो है चार्जशीट में जो है वो जोड़ लिया है। तो आप देखिएगा कि पूरी सरकार अब चाहकर भी बच नहीं पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का भी ये मानना है ये अपने आप में बहुत बड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।